हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। आप देख रहे हैं पकवान विद कल्पना, जिसमें किचन टिप्स के एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर से हाजिर हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं संतरे के छिलके के बारे में। आप इसको कितनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम इसको पीस के एक फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए, मैंने ये इसको पीस के इसका पाउडर बना लिया है। इसको हम छान लेंगे। जब हम संतरे लाते हैं तो उसको छील करके हम लोग इसके छिलके को फेंक देते हैं और उसको खा लेते हैं। ये संतरे से गूदे से ज़्यादा इसका छिलके बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको मैं छान लूँगी। देखिए, मैंने इसे छान लिया है। ये है थोड़ा दरदरा सा, इसको मैं अलग बर्तन में रखूँगी। ये है एकदम फाइन। तो आप ये जो है, जो दरदरा सा है, इसको आप उसमें क्या कहते हैं, रोज़ वाटर या फिर ये एलोवेरा जेल या फिर दही, ये उसमें मिला करके थोड़ा सा लेके फेस पे इसको लगा के हल्का सा स्क्रब इसका बन जाएगा। इसको आप स्क्रब बना के आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप स्क्रब नहीं लगा पाते हैं, आपके जो फेस है वो थोड़ा सेंसिटिव है, तो आप इसको मत कीजिए, दही मत लगाइएगा, आप सिर्फ रोज़ वाटर से ही लगाइएगा। और ये उसका फाइन पाउडर है, इसका एक फेस पैक बन जाएगा। जैसे आप रोज़ वाटर इसमें भी क्या कहते हैं, एलोवेरा जेल, दही, बेसन, इसमें किसी चीज़ में आप मिला के इसको आप लगा के 15 मिनट के लिए फेस पे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में नॉर्मल पानी से इसको फेस धो लीजिए। बहुत सॉफ्ट तो आपकी त्वचा हो जाएगी, एकदम से फाइन और चिकनाहट, ग्लो हर चीज़ इसमें मिलेगा आपको। और इसमें अगर आप इसमें क्या कहते हैं, इसको रख लीजिए और आप इसको एनी टाइम, जैसे कभी कोई वो है तो आप थोड़ा सा पाउडर इसमें कलर में भी यूज़ कर सकती हैं। इसका येलो कलर होगा। इसको आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, जैसे आप गर्मियों के सीज़न में आपने अभी आपको जूस पीना है, आपके पास अभी और कुछ है नहीं, तो इसको पाउडर जो आप इसमें जूस बनाएंगे उसमें थोड़ा सा एक चुटकी पाउडर निकाल के घोल के आप इसको छान के पीजिए। पूरा एकदम टैंक का काम करेगा। जैसे आप ये ऑरेंज टैंक पीते हैं ना, सेम वही चीज़ होगा। कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो इसको आप जिस तरीके, कई तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका छिलका आप कभी मत फेंकिए। सूखा करके पाउडर बना के रखिए। जो गीला है, ज़्यादा है नहीं बना सकते उतना, तो उसको आप किसी गमले में या किसी में डाल दीजिए। वो खाद का भी काम करता है। तो मुझे और आपको सबको ये एक वो देता है। आप इसको कभी वेस्ट मत करिए। अगर आप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही किचन टिप्स की वीडियोस हमारे चैनल पकवान विद कल्पना में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।